अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप। आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक पेन का। तो यहाँ पे ये मुझे पेन रिसीव हुआ है, ये हुआ किन की तरफ से है? यहाँ पे लिखा हुआ mios.pk की तरफ से। तो ये शायद लाहौर से आया हुआ है। और इसमें है क्या चीज़? यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे स्पाई पेन 720p 720p। तो इसके हम अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसके अंदर से हमें मिलता क्या है। तो जल्दी से इसके मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या पेन, कैसा पेन है। तो यहाँ पे इसके अंदर रैपर के और कुछ नहीं है, यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे उस शॉप का जो कार्ड है यहाँ पे हमारे पास, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। उसके साथ यहाँ पे हमें एक यहाँ पे चिट मिलती है या इसका कोई डिटेल वगैरह है। तो ये उन्हीं की शॉप का कुछ है, इसके बारे में और चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, और शायद उनके पास जो चीज़ें हैं वो है। और ये है हमारा पेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रंट इसका इस तरह से है इसके बॉक्स का। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें मिलता क्या है? वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैमरा है, यू डिस्क है इसके अंदर, गिफ्ट है। तो इस तरह से इसमें हम ये चीज़ें इन फॉर्मेट में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ हुआ उन्होंने कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करता है। उसके बाद इस साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे भी इसके वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। और इसके बैक पे यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है, 30 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो ऑडियो 24 किलो हर्ट्स, और कैमरा PC, ये सारा कुछ आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं हम कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक पेन पड़ा हुआ है हमारे पास, और पेन के अलावा इसमें देख लेते हैं, पेन के अलावा इसके अंदर हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जो इसको डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए या इसको चार्ज करने के लिए। उसके साथ हमें यहाँ पे मैनुअल मिल जाता है। तो ये सारा चाइनीज़ में है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है ये। तो हम इसको यहाँ पे साइड पे कर देते हैं और पेन को चेक कर लेते हैं। ये हमारा पास पेन है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो है ये बटन लगा है वो ऊपर, और यहाँ पे ये इसका कैम है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा कैम है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, स्पाई कैम है ये। और ये हमारे पास जो है इसका पेन है, जो इसको ये इस तरह से कुछ दिखता है, और इसमें से यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। तो ये ब्लैक कलर में है। तो ये रही इसकी पोर्ट, यहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसको चार्ज के साथ यहाँ पे इसके अंदर लगता है मुझे मेमोरी कार्ड की जगह दी हुई है, यहाँ पे हम मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं। और इसकी बैटरी फिक्स होगी, मुझे लग रहा है इसके अंदर बैटरी फिक्स है इसकी। तो बस हम इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, और यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे हम चार्जिंग या डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डाटा ट्रांसफ़र का पता नहीं, वो तो चेक करेंगे। और अब इसमें एक वॉल पेन है। उसके अलावा इसको जैसे यूज़ करते हैं उसके बाद इसकी क्वालिटी वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि ये मुझे मिला कितने का। ये है 1180 रुपये का मिला है मुझे ये, और ये 2 दिन में मेरे पास पहुंच गया है। तो ये आपको ख़रीदना कहाँ से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके ख़रीद सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। तो बाकी इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा, इसकी क्वालिटी के बारे में, ये लेना आपको लेना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।